तो अभी आज के लिए बहुत हो गया, लेकिन भूख लग रही है बहुत तेज। तो हम लोग एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है नैशविल के अंदर, इंडियन प्लेस है, इट्स कॉल्ड चौहान्स एल एंड मसाला। चौहान्स एल एंड मसाला, एल्स एंड मसाला, और बहुत बहुत अच्छी शॉप है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है इनफैक्ट, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। मैंने एक दो बार खा रखा है, बट अब जाके देखते हैं, काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ, तनु का फर्स्ट टाइम है, तो अब जाके देखते हैं कि क्या क्या रेट है और कैसा कैसा है खाने के लिए, क्या क्या है। भूख लग रही है बहुत तेज। पूरा का पूरा रेस्टोरेंट एकदम जैम पैक्ड है। हम लोग ऐसे ही उठकर आ गए, मुंह उठा के, पता लगा यहाँ पे रिजर्वेशन करके आना होता है। अभी उसने बोला है कि 5 मिनट रुको, बताते हैं कि जगह मिलेगी कि नहीं। प्रोजेक्टर पे वो सब क्या दर्द है दिल और वो मस है, जरा बच के जरा हट के है मुंबई मेरी। दाल मखनी कर दिया, दैट्स इट, या थैंक यू। तो इनके पास ज़्यादा वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं है, हमें जो दिखा इसमें एपेटाइजर्स में भी सिर्फ गोल गप्पे हैं और एक विप पनीर है, वो हमें समझ नहीं आया कि वो है कर क्या रहे, उसमें कैसे बना रहे, तो वी डिड ऑर्डर दैट। हमने गोल गप्पा मंगाया और इवन इन लाइक जो मेन कोर्स में भी हमें सिर्फ एक ही वेजिटेरियन ऑप्शन दिखा, विच इज पनीर चीज। हम 4-5 दिन से पनीर ही खा रहे हैं, पनीर ही खा रहे हैं, पनीर टिक्का मसाला, बस एक वो ही ऑर्डर। और हमने नान किए और तंदूरी रोटी, रायता और दाल मखनी, और दाल मखनी, दाल मखनी, दाल मखनी मैंने यहाँ की खा रखी है, बहुत ही अम रहती है, कोई ना सिग्नेचर डिश है दाल मखनी। और रेस्टोरेंट के अंदर जब आप बैठे हुए हो और खाने की वेट कर रहे हो हैं, और दूसरों के टेबल पे खाना आया जा रहा है, यू आर लाइक कि जल्दी लाओ खाना, भूख लगी है। भूख कितनी भूख लग रही है, रेट कर 1 to 10 पे। 20 प्रोजेक्टर्स को मूवी भी लगा रखी है, वो पुरानी मूवीज है शायद, मुझे एक बार नाम आगे फ्री में देखना। हाँ अच्छा, ये ऐसे खाना
कैसे खाने प्लेट नहीं लाएगा इसी में खा लें तो इसके अंदर आलू और चटनी वगैरह जो स्टफिंग है ना वो ऑलरेडी करके ही लाया है बस पानी में आई थिंक सो एक आधे तीन गोलगप्पे ऐसे हैं जो कि बिना पानी के लेने हैं और बाकी जो हैं वो वाटर वाले हैं तो यू कैन जस्ट हैव दीज जो ऐसे स्टफ हैं ये नहीं स्टफ वाले हाँ मतलब जिसने गोलगप्पे बनाए बस उसके उस कारीगर को धन्यवाद सल्यूट है चलता रूप बेल रायता कौन सा है ये रायता है सच में नहीं नहीं कुछ और होगा चटनी चुटनी होगी सच में रायता बोल रहे ये रायता दिया है कैमरे में दिख रहा है ये रायता दिया है अभी एक चम्मच रायता नहीं मांगा था ये क्या है ये $5 का है ये मेरा भी है अभी $5 का रहता है Come on, dude. हम लोग ज्यादा गरीब हैं कि ये रेस्टोरेंट ज्यादा अमीर है मैंने स्पून अपना इसी में डाल दिया तो बाद में ले लेना अपना स्पून से डाल ओके ये रायता खाना है कि सूंघना है खाना ठीक दाल बहुत टेस्ट है एक्सपर्ट रिव्यू देता हूँ पनीर अच्छा है दाल भी अच्छी है थैंक यू seconds later वेट करने के लिए एक घंटा लगा खाने के अंदर 5 मिनट